क्लास में बोलने का उन्होंने कहा कि ठगी कर दीजिए बाबा अब जो कुछ होता है अब यहाँ तो ले लो क्या क्या आ चुके हैं बनो कुमारी आश्रम में विस्फोट होने वाला बहुत बड़ा बनो कुमारी में विस्फोट होने वाला खाली उन लोग ऊपर से नीचे तक खाली हाई पैसा और ज्ञान योग से कोई मतलब नहीं तो सारी दुनिया में हाई पैसा बैंक बैलेंस बढ़ जाए शूटिंग कौन करेगा अब तो ऐसा कहते हैं दादियों को सौगात के लिए पैसे चाहिए दोनों इंचार्ज मांगती है सेंट्रल इंचार्ज विस्फोट कैसे होगा ये आप कैसे जानते हैं क्योंकि भीतर भीतर जो बच्चे हैं उतना उनका योग लग रहा है न ज्ञान में मन लग रहा है उन लोग पूछते हैं सेंट्रल इंचार्ज हम योग कैसे लगाए बिंदु को याद करो ये हो रहा है वहाँ पर बेसिक में हाँ कैसे भी हो रहा है हम अपनी रेखा लंबी कर दें हमारी जीत हो जाए जीत तो हमारी होनी है आगे क्या करना बाबा बताऊंगा अब जो बातें मुझती हैं वो बातें पहले क्लियर कर लो सोचो राम के साथ बंदर थे रावण के साथ उनका मतलब भिखारी मनुष्य थे राम के साथ बीज में ज्यादा ताकत होती है कि जड़ों में ज्यादा ताकत होती है आधार मूर्तों में ज्यादा ताकत या एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्मा में ज्यादा ताकत तो बीज रूप आत्मा में ज्यादा ताकत होगी तो जब ज्यादा नीचे गिरेंगे तो ज्यादा खतरनाक कौन बनेंगे एक राजा का बच्चा कुसंग में आता है और एक गरीब का बच्चा कुसंग में आता है ज्यादा कौन गिरता है ज्यादा सत्यानाशी कौन बनता है आप जो बोल रहे हैं ऐसे ही जो आधार मूर्त आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में उन पर हमें उंगली नहीं उठाना है लेकिन एडवांस पार्टी में जो बीज रूप आत्माएं निकल रही हैं अलग अलग धर्मों के बीज वो उधर से भी इधर ज्यादा खतरनाक है वो आधार मूर्त जड़ें पहले निमित्त नहीं है दुनिया को बिगाड़ने के लिए बीज पहले निमित्त बनते और अभी बारी आ गई क्या एडवांस पार्टी में आधार मूर्त आत्माओं की दुनिया में जो काला पार्ट बजाने वाली है वो काला पार्ट बजाए रही है आप सच्ची बात कहते हो कि बाबा आया हुआ है साकार में आया हुआ है वो क्या कहती ये हो नहीं सकता नहीं आया हुआ वो कहती है अंधेरा कायम रहेगा अंदर से जानते हैं सब कुछ सच्चाई क्या है बुद्धू नहीं है लेकिन गांधीजी ने क्या किया था पट्टी बांधी जानबूझ करके पट्टी बांधी हुई थी तो ऐसे ही अपने अहंकार को काबिज रखने के लिए जानबूझ करके अज्ञानता की पट्टी बांधी हुई है है? और साबित करना है कोई बाप आप नहीं है कोई साकार में बाप नहीं होता न बाप आया हुआ है वो बाकी ओढ़ा दो मुरली में से तुम संग खाऊं तुम संग खेलूं तुम संग श्वासों श्वास साथ में जाऊं साथ रहेंगे साथ चलेंगे ये मुरली के बाकी ओढ़ा दो तो है लेकिन वाला भी कौन है ढाई हजार साल गुरुओं ने जो सभाएं लगाई हैं, उन सभाओं में किसी को पूछने का मौका दिया है? नहीं दिया तो यहाँ ब्राह्मणों की आधार मूर्त दुनिया में वो क्लास कर रहे हैं तो क्लास में किसी को पूछने का मौका देंगे क्या वो भी नहीं लेंगे और आगे चल करके जो एडवांस पार्टी चलेगी क्या उसका भी तामसी रूप ऐसा ही सामने आएगा वो तो किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे फर्स्ट से गेट आउट एडवांस पर ये चलेगा अरे बीज रूप में ड्रामा नहीं ड्रामाबाजी नहीं होनी चाहिए बीज रूप आत्माओं में दूसरे धर्म की आत्मा ही नहीं है दूसरे धर्म की आत्माओं का छलका दूसरे धर्म का
छिलका आत्माओं के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है तो अपने करिश्मा नहीं दिखाएंगे। जितना भी एडवांस का परिवार है उसमें ज्ञान सूर्य को मानने वाले मुट्ठी भर बच्चे हैं, 9वां परसेंट थोड़े एडवांस का 9वां परसेंट मानने वाले। हाँ जी, उससे भी कम, 80-90% दूसरे दूसरे धर्म के बीज हैं, वो अपनी मनमत चलाते हैं, अपोजिशन भी करते हैं, घड़ी घड़ी संशय में भी आते हैं, पता नहीं ये बाप है कि शैतान है, घड़ी घड़ी संशय, घड़ी घड़ी निश्चय, ध्रुव तारा ही अटल रहता है। लेकिन कोई तो सितारे होते हैं बहुत लंबा चक्कर काटते हैं ध्रुव तारे के आसपास, चलायमान रहते हैं बहुत तेजी से, कोई ऐसे होते हैं चक्कर थोड़ा सा काटते हैं, ज्यादा चक्कर उनको काटना नहीं पड़ता दुनिया में। तो जो कम चक्कर काटते हैं, चक्करी में आते हैं, माया की चक्करी में, वो सूर्यवंशी, जो ज्यादा माया की चक्करी में आते हैं वो तो चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, तो शूद्रवंशी, कुछ भी है दूसरे दूसरे धर्मों में सपोर्ट करेंगे। और इसको कैसे पहचाना जाएगा कि ये धर्म वाले है, इसकी सब मतलब एडवांस में है, एक परिवार में है, उनको पहचाने का दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, कैसे पहचानेंगे इसको? हाँ, ये होता है, हम ये देखते हैं अभी इसमें बैठे हुए तो सूर्य बनते हैं, अभी हम इसमें बैठे हुए। पार्ट बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? जब पार्ट बजाएंगे, अपोजिशन की बात बोलेंगे, बाप एक बात कहता है, मुंह पर फट से उस बात को काट करके दूसरी बात कह दी, बाप एक काम कराना चाहता है वो दूसरा काम कर रहे हैं, कहने के बावजूद भी नहीं मानते, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सब पता लग जाएगा। ये भी तो कहना कि औरों की पहचाननी है अपने धर्म की, जरूरी अपने बात में क्लास में सारे की पूछेंगे तो क्या होगा, हमारी किसी की डाउन हो जाएगी, सबको देने लग जाएंगे, क्या पूछेंगे? मतलब कौन किस धर्म का है, कौन किस धर्म का? तो बाप क्या बताने वाले हैं, वो तो पहले ही बता दिया, वैसे वाले बाप कागज पर या बोर्ड पर लिख कर नहीं बता देंगे कौन किस धर्म का है, किसका क्या पार्ट है, अपनी अपने चरित्र के आधार पर, अपनी दृष्टि वृत्ति के आधार पर, अपनी वाचा के आधार पर, अपनी करनी के आधार पर, अपने आप अपने पार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। राम वाली आत्मा कैसे प्रोटेक्ट करती है? राम वाली आत्मा के माध्यम से ज्ञान के दिए गए बातें सुनने को मिलती है। जब बाप का पार्ट प्रत्यक्ष होगा तो नजदीकी बच्चों का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप के नजदीकी कौन होंगे और कितने होंगे? 12 होंगे 12। जैसे नौ कुड़ी है, नौ कुड़ी में सूर्यवंशी तो दो ही है ना, इसलिए 12 में विश्वास में हुए। वो तो ठीक है, पहला ग्रुप जो है 12 का है, तो 12 तो सब, लेकिन 12 में भी तो कोई नष्टदेव कोई अष्टदेव होंगे, आज के बाद 4 बज गए नष्टदेव भी तो होंगे ना, वो नष्टदेव ज्यादा नजदीक रहेंगे कि ज्यादा विरोधी बन कर गएंगे? तो 12 में विरोधी होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्लास के अंदर 12 सूर्य बन, यहाँ तो बजाएंगे पार्ट, वहाँ बजाए ना बजाए, हाँ तो उनका पता लगेगा कि नहीं पता लगेगा, बाप के नजदीक है या दूर है? बाप के समारोह अभी तो कहा अभ्यवाणी में, इसी साल कहा, तुम बच्चे बाप के बिना रह नहीं सकते, बाप तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। अब बाप जो आप देवता से अलग है, आप देवता के भीतर बाप भी आ गया, आ गया आत्मा, बाप भी आ गया, आ गया, लेकिन बताया कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात मिली है, उसमें आना जाना करते हो ना, तो वेदांती बनने दशमी बनेगी तो उनका भी कोई ऐसा पास हो जाएगा तो हमें तो पता चलेगा। कहते भी जा रहे हैं, नाम भी लेते जा रहे हैं, फिर कहते उनका भी कुछ पार्ट बनेगा, ये क्या बात हुई है? संशय है, संशय। अब जो है जैसे बाबा ने मूर्ति में कहा वेदांती बन 2009 तक आ जाएगी, बाबा ने तो कभी नाम वाम नहीं बोला, वैष्णवी आ जाएगी,
वैभूमि देवी जो है 2009 में आ जाए, वो उसका टाइम बताया अंतराल पीरियड, जैसे ब्रह्मा का अंतराल पीरियड 14-16 साल का, उस टाइम में वो प्रत्यक्ष हो गए ब्रह्मा के रूप में। ऐसे ही शंकर का अंतराल का पीरियड 67-68 से लेकर के 77-77 तक 7-8 साल, तो ऐसे ही तीसरी मूर्ति का भी कुछ अंतराल पीरियड होगा। अब चूंकि ड्रामा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, शूटिंग जल्दी होती जा रही है, सचिवी मकान की मंजिलें बनती जा रही हैं, तो आगे की मंजिलें जल्दी जल्दी बनेगी कि टाइम ज़्यादा लगेगा? जल्दी लगेगी, तो ज़्यादा टाइम लगेगा या कोई 16 साल और 8 साल का टाइम लगेगा? है इतना कम लगेगा ब्रह्मा के लिए 14 साल 15 साल, शंकर के लिए 7-8 साल, तो विष्णु के लिए कितना टाइम लगेगा? एकदम 3-4 साल लगेगा ना। तो 2004 में शूटिंग पूरी हो गई, मनसा की संकल्पों की शूटिंग पूरी हुई, अब 3-4 साल और ऐड कर दो तो 2008 के बाद तो प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। बाबा जो ये लास्ट में बच्चे आ रहे हैं लास्ट टाइम का, इनका क्या स्टेज, इनका क्या पूछता रहेगा? लास्ट तो फास्ट भी जा सकते हैं, लास्ट में पूछने की बात थोड़ा ही होती है। बाबा ने जो मुरलियों में बात की उन बातों को काटने वाली बात तो करो। बाबा ने तो बोला लास्ट में आने वाले भी फास्ट चले जाएंगे। 30 वर्ष का माफी नहीं हाथ में 2000। आप कौन से टू लेट की बात कर रहे हैं? जैसे हम फर्स्ट लक्ष्मी नारायण के टू लेट की बात कर रहे हैं, या 8 के टू लेट की बात कर रहे हैं, या 108 की, या 16108 की, या 9 लाख की, 4.5 लाख की बात कर रहे हैं? शुरू में 8 देवता जो बोल रहे हैं, 8 देवता बन चुके हैं क्या? जब अभी माध्यम 2 साल से तो 8 देवों के लिए ही अभ्यर्थवाणियाँ चल रही हैं। अष्ट देव बन चुके हैं लेकिन नहीं बने। 8 देवों के लिए बन तो सभी चुके हैं, अभी जो लास्ट में आए उन्हीं बन सकते हैं क्या? 78-79 में ही बोल दिया, सब तैयार हुए पड़े हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष होना बाकी है। माने यज्ञ के आदि में तो सब आ चुके थे, ये बात नहीं ठहरती, लेकिन ये है कि वो उनका नाम सहित, रूप सहित, देश काल सहित प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे बाप नाम रूप देश काल सहित प्रत्यक्ष हो सकता है, तो बच्चे प्रत्यक्ष नहीं होंगे? 2 साल से तो अभ्यर्थवाणियाँ अष्टदेवों के लिए ही चल रही है। कुछ निशानी है ना, अब जो भी है निशानियाँ हैं वो मुरलियों में अग्रवाणियों में सब बताई हुई है, कलेक्ट करने वाले कलेक्ट करें, जिनका मंथन चलता हो तो कलेक्ट करेंगे, जिनके पास टाइम होगा तो कलेक्ट करेंगे, इंटरेस्टेड होंगे तो करेंगे। लास्ट में आने वाले अग्रह में आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकती? ये कितने का आगे नहीं आता, बार बार उस बात को पूछना क्यों? अपने लिए पूछ रहे हैं ना, वो अपने लिए या सपने लिए, किसके लिए भी? जो बात बाबा ने बोल दी मुरली में वो तो पत्थर की लकीर हो गई ना, उसको बार बार क्यों पूछना? बार बार पूछना माने संशय है, निश्चय बुद्धि बनना चाहिए, निश्चय क्यों पैदा करना? पवित्र को कहा जाता है, जो पवित्र रहने का ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं लेकिन रास्ता गलत पकड़ते हैं, क्या तो वो पवित्र पूरे नहीं बन पाते। सप्तऋषि माने सप्तनारायण, और अष्टदेव वो बहुत ऊँची थी, वो सूर्यवंशी है, सब तरह की पूजे नहीं जाते हैं। ऐसे ही 7 नारायणों के मंदिर नहीं बनते हैं, उनकी मूर्तियाँ नहीं बनती हैं, वो पूजे नहीं जाते हैं, लेकिन अष्टदेव पूजे जाते हैं। एक कैसे मुझे रामकृष्ण की जो आत्मा है ना, हर जन्म में साथ साथ में रहेंगे, बाप और बच्चे आए तो साथ साथ नहीं रहेंगे? तो इस तरह के हर संगम युग में ही मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप, लेकिन आदि में प्रजापिता तेरा बाप है,
और अभी अभी ब्रह्मा तो ब्रह्मा ब्रह्मा की रहवरी में राम वाली आत्मा को बेसिक नॉलेज लेनी पड़ती है। वो बाप हो गया ना उस समय तक तो राम वाली आत्मा ने माना ना कि यही हमारे माता पिता है। बाद में मंथन से कुछ भी हो जाए फिर सती हुए फिर राम वाली आत्मा में तेरा बाप फिर त्रेता में फिर वही कृष्ण वाली आत्मा राम का बाप फिर द्वापर में राजा विक्रमादित्य कृष्ण वाली आत्मा और उसको संभालने वाली आत्मा मैं तेरा बाप जन्म देने वाला जन्म देने वाला है या गुरु बनने वाला है कोई अलग से थोड़ी मंत्री होता है। वही चित्रकूट के घाट पर भयसंतन की थी वही चित्रकूट के घाट पर की थी और तिलन केतन को दी तो वही राम वाली आत्मा चंदन घिसती है और वही राम वाली आत्मा तिलक देती है। अरे रघुवीर तो भगवान को कहा गया है रघुवीर को ही है राम के लिए थोड़ी कहा गया है। ये दोनों को वापस कैसे किया गया उसने बताया था तुलसी का दास बनता है तो चंदन गिरता है रघुवीर का आ गया राम निराकार राम के लिए वो विश्व की बात सही देते और क्या सर बुझलाते हो बोलते का ही नहीं कोई नहीं मुरली चला है। हाँ जी छत्तर में छत्तर माने 70 से थी नेपाली में बोलो सेवेंटी से कराची कराची से तो छत्तर क्यों बोलते हो उसको 47 बोलो 47 में कराची और पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा हुआ था और कराची में ये सब लोग पड़े हुए थे आराम से मुगली सुनते थे। हाँ तो क्या पूछ रहे क्या पूछ रहे हैं? अच्छा चलो 47 सही हाँ फिर हाँ तो मुरली चलाई हाँ फिर क्या पूछ रहे हैं बताओ ना क्या पूछ रहे तुम नेपाली में बोल दो इन लोगों नेपाली हिंदी में क्या पूछना चाहते मुरली कौन से शुरू हुआ है तो अभी क्लियर हो गया क्या समझ नहीं पाई बात कराची देखी शुरू हुए ब्रह्मा के तन में मुरली चलाना कराची से शुरू किया उससे पहले ब्रह्मा के तन से मुरली नहीं चलती थी शिव की वाणी जो बोलते ना इसको इतना वो तो संध्या की दबा के रख दिया आज भी डरते हैं वो निकालते नहीं है ऐसी क्या बात क्या शिव की वो भी घाट उस समय नहीं चल रहा था क्या उस समय कपड़े नहीं साफ किए जा रहे थे पंडितों को पावन उस समय नहीं बनाया जा रहा था झगड़े टंटे क्यों होते हैं यज्ञ में जब किसी किसी की बात नहीं होती तो इम्प्योरिटी कुछ न कुछ होती है तो झगड़े होते हैं। यज्ञ के आज में भी धोबी घाट था अब ब्रह्मा बाबा छोड़ छाड़ के भाग गए थे कराची में अपने बंगले में अकेले भागे थे सब उनके साथ नहीं गई थी ब्रह्मा बाबा वही आत्मा है जो विनाश की बात साक्षात्कार करके रोना शुरू कर दिया दर्पों को। हाँ जी यज्ञ में जब लाइव मेला शुरू हुआ प्योरिटी के बारे में बाहर की दुनिया से तो छोड़ छाड़ के वो भाग गए तब वो जीवित रहा तब तक सुनाई गई तो छिपा के वो दबा के क्यों रखे अब जो ब्रह्मा बाबा जो कुछ बोलते हैं उसके मुकाबले कुछ और बातें होंगी जिनसे सारा सारी बातें खुल जाए बंडा फोड़ हो जाए वो तो दबा के रख दे तो भी वो आत्मा अभी मौजूद है सुनाने वाली आत्मा के सामने बैठी है और न दबा के रख दे तो भी वो आत्मा मौजूद है ज्यादा शास्त्र ज्यादा क्लियर करेंगे या चैतन्य आत्मा ज्यादा क्लियर करेंगे अब प्रूफ और मिल जाएगा ये बात पक्की हो जाएगी। अगर वो मकान खरीद लिया जाए
कराची वाला और दीदी दादियों में से कोई बता दें, जैसे बाबा ने इशारा दे दिया कि यज्ञ की हिस्ट्री सच्ची हिस्ट्री सिर्फ एक ही दादी सुनाती है और बाकी सब दादियां जो है यज्ञ की हिस्ट्री को छुपा देती है। मनोहर दादी, मनोहर दादी, हाँ, तो मनोहर दादी से आके एकांत में लेकर के पूछा जाए तो कौन से स्थान पर वहाँ छुपाई गई है, कहाँ वो पेटी दबी पड़ी है, फिर उस मकान की खुदाई की जाए तो अभी तो वो पेटी मिल जाएगी ना। अभी उसको पूरी बताएगी दादी के अंदर में बता दी, सच्ची हिस्ट्री कैसे सुनाती है प्रकाश मोहनी दादी के अंदर, सब थोड़े ही अंदर में रहते हैं है। जब बाबा कह रहे हैं एक ही दादी है जो सच्ची हिस्ट्री सुनाती है, तो सच्ची हिस्ट्री सुनाती माने निर्भीक है ना, और मनोहर दादी को कोई जोनल इंचार्ज नहीं बनाया गया, सच्ची हिस्ट्री सुनाने के कारण ही नहीं बनाया गया, वो किसी लफड़े में नहीं पड़ती है। एक निमल शांता दादी को तो ये सुना जा रहा है इंजेक्शन देकर के उनकी अकल ही बंद कर दी है। बाबा ये कब तक एकदम हो जाएगा, ये दादियाँ कब तक सच्ची जोड़ देंगी, आप दादियों के आधार पर आधार लेके चल रहे हैं, माने दादियों से नीचे ही पद पाएंगे। बाबा बैठा, बाबा बैठा, बाबा पकड़ो, बाप बैठा हुआ है। ये नहीं है, वो कह रहे कि झूठ कब तक चलता रहेगा, ये माने दीदी दादियाँ जब तक झूठ चलाती रही तब तक झूठ चलता रहेगा। एक ही बात के ऊपर तो सारा गड़बड़ सारी बात रुकी हुई है, गीता का भगवान कौन ये क्लियर हुआ और सारी बात क्लियर हो जाएगी। आदि को अंत जैसे आदि में जो इधर उधर पहले चले गए ऐसा अंत में ऐसा क्या है, अंत में कैसे चले थे आदि पार्टी में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ की बाहें कैसी दिखाई जाती है, जो मुख्य भुजाएं उनकी दाईं ओर की बाईं ओर की जो मुख्य सहयोगी है वो ही कट गए तो और कौन बचेगा, ये कि आदि में क्या हुआ था, दोनों भुजाएं कट करके ब्रह्मा की गोद में गिरी थी जाके या वो अपने साथ ले गए थे, ब्रह्मा की गोद में गिरी थी, दोनों माताएं चली गई है, तो जो आज में हुआ तो अंत में नहीं हो सकता है, और एक का तो अभी किसी को पता ही नहीं है अंदर की बात दूसरी है, एक ने भी तो छोड़ दिया, अभी हम लोग वहाँ पर उनका बाद में तो वहाँ नीचे पर तो दिखाया कमला शर्मा में कोई मेरा कोई मतलब नहीं है, शिव बाबा के साथ माने शिव बाबा किसको समझते हैं, बिंदी हो इसलिए लिख दिया शिव बाबा के साथ हो। अच्छा, मेरा माँ के गले पर हुई थी, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, फिर मैं बालिग हो चुकी हूँ, क्या मतलब हुआ, मतलब उसका जब नाबालिग थी तब से एक में सरेंद्र हुई, अब मैं बालिग हो गई, अब मेरी बुद्धि सालिम हो गई, अब मेरा ये किसी को कनेक्शन नहीं, उखड़ गया, नीचे उखड़ गया, हम लोगों को पूछा गया आप क्या कीजिए, हमने तो बाबू को पकड़ा है, सही कर दिया, अरे वो सब साइन कर रहे हैं, सब निश्चय पत्र लिख रहे हैं, भले उनको पढ़ा दिया जाता है, देखो मम्मी ने ये लिख करके दिया है, मम्मी को लिख दिया, बाबा तो है ना मुझे एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मम्मी से क्या काम है, मम्मी चलेगी जाते हम लोग लिखा फुरकवा में, हम लोग एक रुपए के स्टाम्प पेपर मम्मी ने जो लिख करके दिया हुआ है वो सबको दिखाया जा रहा है, लेकिन वो देख करके कोई कोई चले भी जाते हैं ना, हम लोग विष्णु पार्टी बन गई, निश्चय पैदा करने के लिए जगदम्बा को महाकाली का पाठ नहीं बजाना चाहिए, प्रकृति जो है वो झाड़ू लेकर के नहीं खड़ी हुई है, तैयार नहीं खड़ी है, तैयार खड़ी है ना, तो सफाया करेगी ना, आप क्या पूछ रहे हैं, अंत में जो बाबा चले जाएंगे तो सफाया होगा ना सबका, चले कहाँ जाएंगे बाबा, तो अपनी जगह बाटल रहेंगे, बाकी सब चले बाबा गुप्त पाठ होना है,
नहीं, जैसे बाबा ने कहा जैसे 2018 में राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा, इसका मतलब 2018 तक साकार बाबा का पाठ चलेगा जब तक लक्ष्मी नारायण का जन्म नहीं होता है। साकार बाबा का अंत तक पाठ नहीं चलेगा, बच्चे जो जन्म हो जाए तब, बच्चे जन्म हो जाने के बाद खत्म हो जाएंगे, साकार पाठ चलेगा बाबा। जो ज्यादा योगी होगा उसकी लंबी उम्र होगी या कम उम्र होगी? साकार भी पाठ चलेगा उनका। अब आप बताइए, जिसका ज्यादा योग होगा उसकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी होगी या कम उम्र होगी? कृष्ण की आत्मा के मुकाबले कृष्ण की तो 150 वर्ष उम्र होगी। तो कृष्ण का बाप जो रचयिता पिता है उसकी उम्र कम होगी या ज्यादा होगी? योग बल के हिसाब से ज्यादा होगी। तो फिर आप ऐसी क्यों पूछ रहे हैं? राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होने का बाबा का बाप का पाठ समाप्त हो जाएगा। मैंने बहुत दूर चले गए, अब तो सारा ताना होना बुना हुआ तैयार खड़ा है अभी। ये सागर में जो विष्णु जी लेते हुए उनके तो जो पाठ साफ है ना, बाबा ये कब से पाठ करते हैं? क्षीर सागर में दिखा दो, चांद के ऊपर चाय 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 सर्प के फन के ऊपर कृष्ण को डांस करते हुए दिखा दो, चाहे शंकर के शरीर में चारों तरफ लिपटे हुए दिखा दो, वो सारी बातें तो एक ही है। सर्प है वो तो पांच विकार है ना, वो पांच विकार रक्षक बन करके तैयार हो जाते हैं जब विजय हो जाती है। इसलिए क्षीर सागर में एक सैया दिखाई गई है, इस सैया पर भी आराम से सोया हुआ है। लक्ष्मी चरण दबाते दिखाते हैं ना, ये कौन सी लक्ष्मी चरण दबाते? गुरु के पाँव को आराम देगी ना, झुंड की झुंड निकलेंगी तो बुद्ध रूपी पाँव को आराम नहीं मिलेगा। अभी आराम नहीं है, अभी आराम नहीं, अभी आराम नहीं, अभी तक आराम जंगल में मारे मारे कांटों के जंगल में मारे मारे फिरते हैं तो आराम होता है? अभी तो आने वाली है, आने वाली आराम, आने वाली और जाने वाली आराम। ये तो जो जो सेवा करेगा तो मेवा खाएगा, सेवा कुछ भी न करे, ग्लानी ज्यादा करे, जीभ ज्यादा लपलपाए, इनका मतलब ये है कि बड़ी मम्मी ने इतनी सेवा की उनको कुछ नहीं मिलेगा और वो निकलेगी लास्ट में आएगी, वो कैसे फास्ट चल रही है? वो तो जाए भले, लेकिन बड़ी मम्मी ने इतना जो किया, इतना जो किया, लेकिन कोई कलश को धारण तो करे बाएं हाथ में लेकिन किसी को बांटे नहीं तो भाग्य बनेगा, और दूसरे हाथ ने वजन तो नहीं उठाया लेकिन बांटा सारी दुनिया को, तो भाग्य बनेगा कि नहीं? लक्ष्य लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? लक्ष्य क्या है जिंदगी का? नारी से जगदम्बा बनना या नारी से लक्ष्मी बनना, भारत माता बनना या वर्ल्ड मदर बनना, क्या लक्ष्य है? भारत माता से शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो बड़ी मम्मी का पद तो होगा ना कुछ है, बड़ी मम्मी का भी तो कुछ पद तो होगा ना। ये चंडिका देवी का पद नहीं होता है? अभी ये तो नहीं है, ये पद नहीं होता है, है पद फिर दुर्गा का पद नहीं होता है? तत्व प्रधान है तो दुर्गुणों को दूर करने वाली है, तमो प्रधान है तो माँ काली बनती है। सच्ची गीता से एक सेकंड में स्वर्ग स्थापन होता है और झूठी गीता से 2500 वर्ष में नरक बन जाता है। कौन है सच्ची गीता और कौन है झूठी गीता? गीता इस समय पूरी ही खंडित की हुई है, मुरली ने बोला है। कौन सी गीता की बात है? एक होती है सुनने सुनाने वाली गीता, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, और एक होता है प्रैक्टिकल में करने वाली गीता। सुनती सुनाती नहीं है, क्या करती है? प्रैक्टिकल में काम करके दिखाती है। रुद्रमाला जो विजय माला की बात है, जो बाबा ने बताया कि आगे जाकर जो विजय माला अंत में निकलेगी, रुद्रमाला पहले ही बाबा के साथ है, लेकिन फिर बाद में जाकर रुद्रमाला विजय माला में ऐड होना पड़ेगा। रुद्रमाला की मन की विजय माला में बाद में ऐड होगी,
नंबर बार ऐड होती जाए, तपस्या पूरी होती जाएगी, विकारों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे, तो विजय वाला में ऐड होते जाएंगे, विकारी बने रहेंगे। तपस्या की और विकार में गिर गए, पांचवी मार्ग से नीचे गिर गए, क्या होगा? तपस्या करो, आएंगे वो जन्म जन्मांतर की रानियां हैं कि राजा हैं? रानियां हैं, तो रानियों ने ज्यादा पवित्रता का पालन किया है हिस्ट्री में, या राजाओं ने ज्यादा पवित्रता का पालन किया है? खैर ये तो हो जाएंगे, मतलब कहाँ जाकर के होंगे उनके, ये तो हो जाएंगे ये पता है ना, मानव उसमें जाकर के हो जाएंगे, मतलब कहाँ जाकर के हो जाएंगे, कहाँ मिलेंगे? मनसा से एक हो जाएंगे, इधर से बात, इधर से मनसा में संकल्प करेंगे, उधर उनके पास पहुंचेगा, वो संकल्प करेंगे इनके पास पहुंचेगा। तुम क्या समझते हो कि शरीर भी कितने हो जाएंगे, बर्बाद कर दो दुनिया तुम्हारों को बहुत संकल्प सुनते हो। ये समझ समझी कमी सभी बुद्धि होती है, बाबा ने बोला है, वरदान दिया है बहुत बड़ा, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। जब एक लक्ष्य बता दिया कि जो नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, और जो नर से प्रिंस बनने वाले राधा कृष्ण हैं, उनकी प्योरिटी में क्या अंतर होगा? सतयुग के लक्ष्मी नारायण में और संगम युग के लक्ष्मी नारायण की प्योरिटी में अंतर क्या होगा? हाँ, वो वाइब्रेशन की शक्ति से संस्थान पैदा करेंगे, शरीर के मिलने की बात ही नहीं, और वो दृष्टि से बच्चों की पैदाइश करेंगे मुख्य प्यार से, तो वहाँ शरीर की बात है, तो कितना बड़ा अंतर हो गया, वो चढ़ती कला के नारायण और वो उतरती कला के नारायण बनेंगे। हैं कुमार जो गुंताड़े भिरा रहे हैं, बहुत से कुमारों ने तो रुद्रमाला में ही अपनी अपनी जीवन संगनिया 21 जन्म की चुन ली, अभी से चुन करके सत्यानाश कर लिया। उड़ीसा की कितनी कन्याएं उड़ गई, सरेंडर हुई, उनको ये सिखाया कि जैसे विश्व का महाराजन होता है, हाँ, तो ऐसे मम्मी जो है वो जगदम्बा बनी ना, वो जगत पिता है, वो जगदम्बा है, तो ऐसे ही हर जोन की महारानी होगी और हर जोन की रानी भी होगी। बस बुद्धि घूम गई, हाँ, शूटिंग चालू। भाई हम तो आएंगे तो सारे ना, ब्रह्मा बाबा के द्वारा पतितों को पावन बनाने के, पतितों को पावन तुमने भी नहीं बनाना शुरू कर दिया, किसी दो चार होते हैं क्या, 10-20 होते हैं, 1000-2000 होते हैं पतितों को पावन बनाने वाले, एक पतितों को पावन बनाने वाला है या सब है? कहने का तो ये ज्यादा जानते हैं, बहुत नजदीकी है ना, ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में थे, वहाँ बेसिक में क्या तो कोई पति से पावन नहीं बना क्या? बना, ये पूछ रहा है, बना होगा तभी तो पूछ रहा है, कोई बना होगा ना, कोई बना नहीं गए, क्या मतलब कोई बना गया, भाई नजर में कोई नहीं बना, अरे पतित को पावन बनाने वाला बाप है या अम्मा है? अम्मा पतितों को पावन बनाएगी, संग के रंग में लेगी, तो उसके शरीर का क्या हाल होगा? तो भूल गए, अरे स्त्री जात में तो दूषण पैदा हो जाएगा, पुरुष का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, चाहे स्त्री का स्त्रियों से संग करे, कुछ बिगड़ेगा क्या? स्त्री के अंदर से जल फैल जाएंगे ढेरों के खून के,
ये एड्स की बीमारी है कि ये चल रही है क्या? बेहद मैंने बाबा हद में बोलते हैं। नहीं नहीं इससे जाति का जो बोले ना गीता में भी लिखा हुआ है स्त्रियों के प्रदूषित होने पर संसार गड्ढे में चला जाता है, वर्ण संकर संतान पैदा होती है, इसलिए स्त्री भगवान नहीं होता है कभी, भगवान पुरुष तन ही होता है। अगर स्त्री तन भी भगवान बनने लगे तो सब उसके साथ संग करने लगेंगे, हो जाएगा सत्यानाश। आज याद करते हुए नंदी पे शिव सवार है, तो नंदी तो ब्रह्मा का रूप हो गया, तो ब्रह्मा के ऊपर शिव सवार कैसे? नहीं शिव को लोगों ने शंकर समझ लिया, शंकर को शिव समझ लिया, वो शंकर का जो रूप है वो ही निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। जैसे इंद्रियां होते हुए नहीं है, कान होते हुए नहीं है, भले दुनिया ग्लानी करती रहे, अखबारों में करे, टीवी में करे, रेडियो में करे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला देख तू मैं, तो कान होते हुए भी जैसे नहीं है, देख तू न देखना, सुनते हुए न सुनना, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए न करना, तो निराकारी स्टेज हो गई ना। तो निराकारी स्टेज की यादगार बैल के ऊपर वो शिवलिंग दिखाया जाता है, गुम्मड़ ब्रह्मा का है ना। हाँ जी ब्रह्मा जो है वो इस समय ब्रह्मा में प्रवेशता है या किसी दूसरे में प्रवेशता है? शिव की मुकरर रथ में प्रवेशता है, तो मुकरर रथ जो शंकर का पार्ट है वो हाई जंप लगाएगा या नहीं लगाएगा, या ब्रह्मा ही गीता का भगवान बना रहेगा? हाई जंप लगाएगा, उछल के फिर बैल के ऊपर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? वो गुम्मड़ रखा हुआ है यादगार। शिव का प्रवेश होता है शंकर में, मैं जानवर में थोड़े जाऊंगा, मुरली माता है, मैं जानवर में आऊंगा क्या? माने बैल जानवर नहीं है क्या? तो उसकी बुद्धि का जानवर में शिव आएगा पापन करके नहीं, नहीं। लेकिन ब्रह्मा में कहते तो है शिव बाबा आया, आया तो लेकिन अम्मा बन के आया, बाप बन के नहीं आया। बाप बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में जानवर बुद्धि में नहीं प्रवेश कर सकता, तो मनुष्य बुद्धि में प्रवेश करेगा। हाँ जी अभी भी बेबी बुद्धि अभी कहाँ बैठ रहा है? बाबा के पास बैठा ना, आज चंद्रमा अधूरा ही चंद्रमा है ना, तभी तो पूरा होगा, संपूर्ण चंद्रमा तो नहीं है, संपूर्णता की स्टेज प्राप्त करेंगे तो गुजरा दादी के तन में साफ, गुजरा दादी के तन में जाएंगे ही क्यों? खत्म हो जाएंगे, जब तक वो है तब तक गुलजार दादी में प्रवेश कर रहे हैं। उसको मालूम करने की साफ साफ बोलते करने क्या ऐसे वो तुम्हारा बाप गुप्त है ये तो बोल दिया, इस समय तो बाप वहाँ है ही नहीं तो गुप्त है तभी तो बोल रहे। अगर गुलजार दादी के अंदर शिव बाबा है तो अगर वो गुप्त बोलो गुप्त है, गुलजार दादी के अंदर शिव बाबा है, कौन कहता है शिव बाबा? हमारे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार मैंने तो कहती है ना वो बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, भगवान आ रहा है। ऐसा समझने वाले बुद्धू हैं क्या? कहीं भी सुना आज तक ये बात कि भगवान जिस तन में आता है, मुरली में भी तो बोला है, उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े? गुलजार दादी को कोई ब्रह्मा कहता है? और स्त्री के तन में भगवान आएगा तो संसार में तो ऐसा कहीं सुना भी नहीं गया कि भगवान स्त्री चोला लेता है। शुरू में दो ब्रह्मा बोले थे, बीच में एक ब्रह्मा, लास्ट में दो ब्रह्मा, तो लास्ट में दो ब्रह्मा कौन है? ये सब प्रजाति का ये सर। शुरू में ब्रह्मा नहीं थे, दो ब्रह्मा शुरू में थे, कौन कौन? प्रजापिता ब्रह्मा, कौन कौन थे? प्रजापिता में बोलो ना, उनके क्लियर करो। प्रजापिता था एक ब्रह्मा, दादा कौन सा ब्रह्मा? दो शुरू में दो बड़े ना,
प्रजापिता तो हो गया, अब कौन कौन से ब्रह्मा की बात कर रहे हैं शुरू में? ब्रह्मा बड़ी माँ, बड़ी माँ ब्रह्मा माने जगदम्बा है, गीता माता। अच्छा ठीक है, और दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं हुए? लास्ट में दो बोले तो जो आदि में होगी वो अंत में नहीं होगी? आदि को अंत बाबा एक मिनट है कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल तो परम आत्मा जिससे संपूर्ण धारण करती है राम बाप की आत्मा, शंकर की आत्मा, वो तो लेकिन एक ही के अंदर की बात है ना। तो परमात्मा कैसे अलग रहे? एक ही के आज परमात्मा किसे कहा जाता है, परमपिता किसे कहा जाता है? परमपिता तो राम बाप हो गए, आत्माओं के नहीं। हाँ आत्माओं का बाप, आत्माओं का बाप शिव जो है वो परमपिता है, और परमात्मा राम वाली आत्मा, पार्ट बजाने वाली आत्माओं में परम पार्टधारी। हाँ तो यज्ञ के आज में चला गया, यज्ञ में भी चला गया ना, ये भी छोड़ दिया। कोई 20 कोई 25 वर्ष के होंगे सर, छोड़ करके मुरली में नहीं बोला है कुछ समय, क्या लंबे समय तक हो गए ना, जब तक प्रत्यक्ष जब तक दोबारा आत्मा यज्ञ में नहीं आती है तब तक वो चली गई ना। तो आत्मा और परमात्मा बहुकाल अलग हुए ना, आप बच्चों। अरे बाप बिंदु जो है वो साकार शरीर के द्वारा ही तो साकार बनेगा, नहीं तो साकार कैसे बनेगा? साकार राम वाली आत्मा आई ना माउंट आबू में, इतना कुछ घुमा रहा था, पाठ चल रहा था जंगल अहमदाबाद में है बाबा, हम पाठ चल रहा था तब राम वाली आत्मा आई, इसका क्या प्रूफ है? नहीं नहीं माउंट आबू के अंदर बाबा पानी चल रही थी, उसके लिए साकार मुरली, अब साकार मुरलियाँ चल रही थी तब राम की सोल ज्ञान में आई थी, इसका क्या प्रूफ है? नहीं कहते हैं उधर में अहमदाबाद में जब गए थे ना, अहमदाबाद में गए कहीं कोई भी बाद में गए वो सब ठीक है, लेकिन इस बात का क्या प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे उस समय राम की आत्मा यज्ञ में आ गई? जब तक वो नहीं आएंगे तो टेम्प्रेरी मकान लेना पड़ेगा, उनके आते ही मकान पूरा हुआ तो अपने मकान को ले लिया, वो मकान ये तो एक जगह आत्मा शरीर छोड़ती है और दूसरी जगह जन्म लेती है, उससे पहले 4 महीने पहले भी तो पिंड तैयार होता है, वो निर्जीव पिंड होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ टाइम का टाइम है, 8-9 महीने 10 महीने ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा ज्ञान में आती है, बाद में आती है। कल दस महीने जड़ काटी गई होगा, चार चार जन में जो जड़ काट ली, किसी काटने की चीजें क्या रहते हैं, किसने काट दी? कब उसके चित्र में जो जड़ काटी है ना, और अभी सूरज का भी चित्र निकला है, उसमें जो शंकर का चित्र भी उड़ा दिया वहाँ ऊपर से, और एक प्रदर्शनी जो निकली है उसमें भी वो कागज की तरह झाड़ भी निकाल सकते हैं, धर्म की झंडा झंडा निकाल दिया, जड़ को काटा, जड़ को काटा किस लिए? शंकर को ऊपर वाला चित्र किससे काटा और लाकर ब्रह्मा कर दिया, नई बात है जड़ काटने का मेन। जब वो शंकर को मानते ही नहीं तो जड़ को, शंकर को उड़ाएंगे ना, तो दो जड़े किसने काटा? उन्हें ध्यान ही नहीं, मालूम ही नहीं इस बात का, कुछ पता ही नहीं है कि जड़ों से तनों का क्या कनेक्शन है, तो 3 दिखाएं कि 2 दिखाएं, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है उनको, दो जड़ों पर रहते हैं वहाँ पर।